जिलाध्यक्ष नागरिक भाई हमारे सूबे उत्तर प्रदेश के वजीर आला आदि जनाब अखिलेश यादव साहब, जिले के सभी विधानसभाओं के सभापति ऐसी आप सब पार्टी नौ हजार कभी ये किला इंसानों के सरों से उनके एहसास से जज्बात से महरूम रहता था। कहते हैं कि इस किले की दीवारों के अंदर परिंदा पर नहीं मार सकता, यहां इंसानों का गुजर कानूनी तौर पर बंद था। यहां एक बुजदिल नवाब रहता था और अपनी ही रियाया से वो इतना डरता था कि ये मजबूत बुलंद दीवारें उसके लिए उसकी हिफाजत का सबब बनी हुई थी। नवाब अकेला था लेकिन उसकी शान और शौकत का ये आनंद था कि नौजवानों ये सामने ही खाना खुदा है जामे मस्जिद रामपुर, लेकिन नवाब के तकबर का यह आलम था कि ये सहामिद मंजिल इसके गुंबद की ऊंचाई जामे मस्जिद रामपुर के गुंबद की ऊंचाई से ज्यादा है। एक ऐसा हुक्मराना जिसने अपनी अय्याशगाह का गुंबद बनाते वक्त इस बात का पूरा ख्याल रखा कि अल्लाह का घर उसकी अय्याशगाह से नीचा होना चाहिए। बहुत कम लोगों ने इस पर गौर किया होगा लेकिन ये ऐसी तकब्बुर की निशानियां हैं जो किसी भी धर्म में और किसी भी मजहब को मानने वाले में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। और आज अंजाम यह है कि इन इमारतों से सिर्फ कल के माजी की कल के गुजरे इतिहास की एक गंदी बू आ रही है। लोकतंत्र और हमारी आजादी दो अलग चीजें थी। मुल्क आजाद हुआ लेकिन इसी किले के मैदान में 1952 में नवाब अपने दामाद को लेकर आए और कहा रामपुर वालों मैंने तुम्हारे दामाद को खड़ा कर दिया है। कमसिन गरीब और मजबूर बुजुर्ग रोने लगे हमारा नवाब आया है। 1952 में राजा पीरपुर ने पार्लियामेंट का चुनाव जीता। एक दिन आए थे पर्चा भरने और एक बार आए थे कामयाबी का सर्टिफिकेट लेने। 1952 के बाद 1957 में फिर तारीख ने वही सबक पढ़ा। नवाब फिर आए, दामाद साथ आए, वही जुमले दोहराए गए। रामपुर वालों ने फिर वोट दिया और इस तरह नवाबियत का यह सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता और कोई तैयार नहीं हुआ
कि सालिम हुक्मरान के सामने ऐलान बगावत करे और इनके जुल्मों का हिसाब दे, तब इस शहर के कमजोर लोगों ने, जिनकी कोई आवाज नहीं थी, जिनकी सिसकियां भी सड़कों पर दम तोड़ देती थी, तो टेक्सटाइल के मजदूर थे, रिक्शा चलाने वाले थे, बीड़ी के मजदूर थे, जरी और जरदोजी का काम करने वाले, फावड़ा चलाने वाले, महलों की तामीर के वक्त उसकी बुनियादें खोदने वाले, जिनके जिस्म में सिर्फ पसीना था, खून नहीं था, उन्होंने करवट ली। और जब कमजोर करवट लेता है तो सल्तनत तबाह हो जाती है, और जार जैसा इंकलाब आता है, और इंकलाब ऐसा आता है कि पत्थर की दीवारें रेत बनकर हो जाती हैं और शहीशाही का नामो निशान मिल जाता है। ऐसा ही हुआ, एक इंकलाब बर्पा हुआ और रामपुर के तमाम कमजोर लोग एक जगह जमा हुए, ये खुली हुई उंगलियां एक मजबूत मुट्ठी बन गई, और रामपुर का हर कमजोर सुरखरू हुआ। बादशाह तो नहीं आई, लेकिन तुम बादशाह कर बन गए। इस नए इंकलाब की मुबारकबाद देने आपके वालिद मोहतरम रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव जी इसी किले के मैदान में आपकी हिम्मत बढ़ाने आए और ये कहने आए कि तुम्हारा पसीना और हमारा खून एक रंग का है, जहां तुम्हारा पसीना बहेगा हम अपना खून बहा देंगे, लेकिन तुम्हें मायूस नहीं होगा। समाज आपकी ऐसी मजबूत इमारत लिखी गई, समाजवाद की एक ऐसी मजबूत इमारत लिखी गई कि पहली बार हिंदुस्तान के फिरका परस्पा हॉल में, और ऐसा फिरका परस्पा हॉल जहां स्वयं अफर मुझे कुछ बाकी नहीं रह गया, हकीकत पसंद लोग भी खामोश अपने घरों में बैठे थे, एक आवाज जिसने धोती पहन रखी थी, जो धर्म से हिंदू लेकिन ईमान से इंसान, उन्होंने कहा कि सुनो हिंदुस्तानियों, धर्म बचेगा उस वक्त जब देश बचेगा, देश ही नहीं बचेगा तो धर्म कैसे बचेगा। इसलिए इस तरह के मैदान में जमा लोगों, देश बचाओ, 2017 का चुनाव एलान है इस बात का कि 2019 में हिंदुस्तान से फर्स्ट तत्वों का सफाया हो जाएगा, और इल्ला कहने वाले, कुत्ता कहने वाले, हरामजादा कहने वाले हिंदुस्तान की सियासत से हमेशा हमेश के लिए फना हो जाएंगे। और इंसानों का राज कायम करो, इंसानियत का राज कायम करो, इंसान को इंसान का दर्जा दो, एक हो जाओ, एक ऐसा कुंभ बनाओ, एक ऐसा कुंभ बनाओ जिस कुंभ का वायदा हमने आज से तकरीबन 5 बरस पहले किया था, जब नेताजी ने हमसे कहा कि अखिलेश यादव का नाम पेश कर दो, आपका नाम पेश किया हमने, और उस वक्त बहुत मुख्तसर सी तकरीर में मैंने कहा कि हम इस बात का आज अहद करते हैं, हमारे लिए आप राज्य साहबजादे एक बराबर हैं, हमारी मोहब्बत भी एक बराबर है, हमारा एहतराम भी एक बराबर है, हम आज इस बात का वायदा करते हैं कि हम आप दोनों के बीच एक पुल का काम करेंगे, और हमने आखिरी वक्त तक इस बात की कोशिश की कि ये पुल न तो कमजोर हो न टूटे, और आखिरकार यही हुआ, कुदरत की तरफ से ऐसा फैसला हुआ
पार्टी भी बची, निशान भी बचा और खूनी रिश्ते भी बचे। ऐसा ही इंसानियत के लिए पुल बन जाओ। रामपुर के हिंदू मुसलमानों सिख ईसाइयों, मैंने ईरान यह कहा है कि कोई एक शख्स ये इल्जाम लगा दे कि धर्म और जाति की बुनियाद पर मेरे कलम से या मेरी जुबान से किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, मैं रामपुर वालों कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इंसाफ की तरह तुम्हें धर्म, जात, काला, गोरा, औरत, मर्द, छोटा बड़ा सब बराबर है और जो ये इंसाफ नहीं देते उन्हें इंसाफ की कुर्सी में बैठने का कोई अधिकार नहीं बनता। हमारे रिश्तों की बुनियाद यही है। वजीर आला मोहतरम से हमारे रिश्तों की बुनियाद यही है। हमारी सच्चाई के रिश्ते 40 वर्ष के हैं, 40 दहाइयां सियासत में दिल जीतने के लिए बहुत लंबी होती है। मुझे अच्छी तरह याद है 1975 में जब पहली बार आया था तब भी मेरी आवाज पर इसी तरह सन्नाटा होता था। नौजवानों, तुमने हमसे जो उम्मीदें बांधी हम कासाई बदाई लेकर जिस दर पर जाना पड़ा तुम्हारी जिंदगियों को बेहतर करने के लिए वजीर आला ने कोई कसर उठाकर नहीं रखी, आप गवाह हो इसके, आप गवाह हो। नेताजी ने कोई कसर उठाकर नहीं रखी। रामपुर जिला आपके मोहब्बतों का कर्जदार है और ये कर्ज हम वोट देकर अदा नहीं करते हैं। हम रामपुर के लोग वोट को आपकी मोहब्बत की उजरत नहीं मानते हैं, बल्कि हम तो ये इंतजार करते हैं कि आपसे ये पता चले कि हम रामपुर के कमजोर लोगों को कहां कुर्बानी देना है, कहां जिंदगी दांव पर लगानी है। आपने देखा इसी किले के मैदान में क्या कुछ नहीं हुआ था। जाकू राखे साइया मार सके ना कोई, यही हमारे सीने पर कितने तमंचे रखे गए थे, कितनी गोलियां चलाई थी पुलिस ने हमें बचाने के लिए। डिग्री कॉलेज का दरवाजा छलनी है आज भी, जलन नहीं छोड़ा इन लोगों ने। दूसरा कल हमें मारना चाहा था और जो कल गुजर गया हमारे कमजोर लोगों को स्वार डांडा में बहुत दूरी तक मारा गया। हसली की हड्डी टूटी है, उंगली टूटी है, तदल रास से मारा है, हम खामोश हैं इसलिए कि हम माहौल को अच्छा देखना चाहते हैं और कमजोरों को भी यह बताना चाहते हैं कि पिटने वाला और मारने वाला ये दोनों हम में से हैं। वो गायब है जिसने यह कराया है, उसकी हिम्मत नहीं है आने की, वो नहीं कर सकता, वो बहुत कमजोर है, न उसके पास पैर हैं, न उसके पास हाथ हैं, न उसके पास हौसला है, न उसके पास इज्जत है, न दिल है, न उसमें धड़कन है। उस बुजदिल से कोई मुकाबला नहीं है। इंसान से इंसानों को लड़ने वालों के लिए यहां कोई मुकाम नहीं है। वजीर आला मोहतरम को यकीन दिलाना चाहते हैं कि कोशिश हमारी यह है, दुआ भी यही है, सरकार तो बनेगी इंशाल्लाह, लेकिन रामपुर आपको इंशाल्लाह 100% नतीजे देगा और हम आपको उसकी पेशगी मुबारक दे देते हैं और आपसे एक बार फिर ये वायदा लेना चाहते हैं। आपने हमसे ये फरमाया था कि हम रामपुर शहर को नहीं अब रामपुर जिले को मिसाली जिला बनाएंगे। ये जिला आपके इस ख्याल का और आपके आने वाले कल में हमारे साथ किए जाने वाले उपकार का इंतजार कर रहा है और अच्छे दिनों की उसे तलाश है। वो अच्छे दिन नहीं जो फासिस्टों ने कहे थे, बल्कि वो अच्छे दिन जो हम आपकी शक्ल पर देखते हैं, जो हम आपकी मुस्कुराहट को देखते हैं, जो हम आपकी थकन में देखते हैं, जो हम आपके हौसलों में देखते हैं। मैं आपको उसी उम्मीद के साथ कि तुम जियो हजारों साल
और साल के दिन में 50,000
तीसरा चौथा बजट भी आ गया, दिल्ली सरकार का तो बजट आ गया। कोई किसी को कुछ भी मिला हो तो बता दो, न किसान को, न मजदूर को, न भगवान को, न हमारी माताओं को, और अगर कोई एक काम भी विकास का किया हो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो बता दो। और जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनता ने इन्हें मौका दिया और सीखें दे दी, इन्होंने हमें आपको सबको लाइन में लगा दिया। और जितना पैसा था 500,000 रुपया इन्होंने लाइन लगा करके सब 500,000 रुपया रख लिया, सब जमा करा दिया। किसी के बचाओ तो बता दो, ये 500,000 रुपया पुराना वाला किसी पे बचाओ तो बताओ, अब तो किसी पे नहीं बचा 500,000 रुपया। अब तो कम से कम हम कह सकते हैं कि जो वादा किया था इन्होंने हमारे अकाउंटों में 15 लाख पहुंचाने का, वो तो पहुंचाया नहीं। अगर उतना नहीं पहुंचा सके तो कुछ 15,000 ही पहुंचा देते हमारे अकाउंट में, झूठा है झूठा, लेकिन कुछ भी नहीं पहुंचाया। और मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं कि पैसा काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और अगर कोई कारोबार किया और टैक्स नहीं दिया वो काला हो गया, और काले पैसे से कोई कारोबार किया और टैक्स दे दिया तो वो पैसा सफेद हो गया। इसलिए पैसा काला सफेद नहीं होता, ये हमारा आपका लेन देन काम करने का तरीके में काला सफेद होता है। और फिर नोट कैसा छपा, हम तो कहते हैं कि हमारे रामपुर के लोगों से ही पूछ लेते तो शायद 2,000 का रुपया अच्छा छप जाता, जाने किस रंग का जैसा छप गया। और फिर कहा कि उत्तर प्रदेश को स्कैम से बचाना है, आपने सुना होगा स्कैम से बचाना बताया। और स्कैम का मतलब जब पूछा तो कहा कि समाजवादी, कांग्रेस, अखिलेश और हमारे बुआ का नाम भी ले दिया उन्होंने। हमने कहा हमें भी स्कैम से बचाना है देश को और प्रदेश को, और हमने भी स्कैम का मतलब बता दिया कि सेव द कंट्री फ्रॉम ए से अमित शाह, और दूसरा आप जानते हो ऐसे जिसका नाम है। तो देश को बचाने वाला ये चुनाव है, ये प्रदेश का चुनाव तो है ही है, लेकिन ये देश को बचाने वाला चुनाव है। और यहां से सरकार बनेगी तो सरकार चलाने वाले लोग कौन लोग होंगे, हम ही और आप लोग होंगे जो विधानसभा में सरकार चलाने का काम करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष साहब ने जिस तरीके से नेताजी के साथ, जिस तरीके से नेताजी का सहयोग किया, उससे ज्यादा शायद सहयोग हमारा उन्होंने हमेशा किया, चाहे वो विधानसभा हो या बाहर बात रही हो। और मैं कह सकता हूं कि जब नेताजी सबसे ज्यादा नाराज थे, अगर नेताजी को थोड़ा बहुत खुश करने के लिए अगर किसी ने सबसे ज्यादा मेहनत की, तो आदरणीय आजम खान साहब। नेताजी की नाराजगी, नेताजी की नाराजगी अगर किसी ने दूर की तो आपने दूर कर दी, नहीं तो हमारा बड़ा नुकसान होता, बड़ा नुकसान होता हमारा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होगा तो वो नेताजी होंगे और आदरणीय आनंद खान। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जहां तक काम का सवाल है, आप सबको भरोसा है कि समाजवादी सरकार काम करेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने कुछ महीने पहले भी आपके बीच में आके यही कहा था और फिर कहता हूं कि अभी तो काम होना शुरू हुआ है, शहर ठीक होना शुरू हुआ है,
आने वाले समय में सरकार बनेगी तो शहर के साथ साथ आपका जिले को भी आदर्श बनाने का काम करेंगे और लोग तारीफ करेंगे और पास का कहेंगे कि अगर किसी जिले में काम हो तो हमारे रामपुर जैसा जिले का काम है। इसलिए विकास में पीछे नहीं हो गए, विकास में आगे बढ़ाएंगे। और क्योंकि रामपुर में बहुत पसंद से काम होता है, बहुत अच्छा काम होता है, यहाँ कोई चीज बनी होगी तो वो एक उदाहरण की तरह है। अगर दरवाजे बने हैं तो उदाहरण है, गांधी स्थल है तो उदाहरण है। और मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटी में जो काम हुआ है वो भी न केवल प्रदेश बल्कि देश के लिए उदाहरण है कि हाँ यूनिवर्सिटी ऐसे बनाई जाती है, बिल्डिंग ऐसे बनती है। इसलिए काम तो हो गई होगा, लोगों को सुविधाएं देने का भी काम होगा और सुविधाएं देंगे। जहां बड़े काम हो रहे हैं वही जो हमारे आम लोग हैं उनको सुविधाएं कैसे दें। हम लोगों ने एम्बुलेंस दे दी, एम्बुलेंस दे दी, कम से कम लोगों को भरोसा है कि अगर 108 102 एम्बुलेंस है तो वो फोन करने पे आपके घर और गांव में मदद करने के लिए पहुंच जाती है। ये व्यवस्था हम स्कॉल पर पुलिस के लिए शुरू कर रहे हैं। आप अगर फोन मिलाए तो कम से कम आपके घर गांव में कहीं अगर झगड़ा हो गया, कहीं कोई मदद की जरूरत है तो पुलिस पहुंचेगी और आपकी मदद करने का भी काम करेगी। और जो थोड़ी बहुत बुराई है, जो कभी कभी पुलिस के अंदर बुराई आ जाती है, हालांकि यहां तो हमारे पार्टी के नेता के लीडर में की वजह से कोई बुराई नहीं होगी, कभी लेन देन वाली जो बुराई है हमने तय किया कि आने वाले समय में अगर इस तरह की बुराई अगर होगी तो अगर 100 नंबर पर शिकायत होगी तो उस बुराई के साथ साथ जो ऐसा काम करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम समझ रहे हैं। जहां हम माताओं बहनों के लिए 102 एम्बुलेंस, जहां माताओं बहनों ने 102 एम्बुलेंस शुरू की है, आने वाले समय में हम कहना चाहते हैं बस का किराया भी आपको पूरा नहीं आधा देना पड़ेगा, आप जहां जाना चाहे सरकारी समाजवादी पेंशन, अभी तो बहुत सारी पेंशन थी, कभी 400 रुपए मिलता किसी को, किसी को और पेंशन, बहुत सी हमारी गरीब माताएं बहने छूट गई जिनको पेंशन नहीं बना पाए। इसे आने वाले समय में हमने तय किया है, समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि एक भी गरीब परिवार की महिला नहीं बचेगी जिसको 1000 रुपया पेंशन देने का काम सरकार। वही हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अभी तो ड्रेस दिए, बैग दिया, बर्तन दिए हैं, हफ्ते में एक दिन दूध और हफ्ते में एक दिन फल दिया है, लेकिन आने वाले समय में सरकार बनेगी तो बिल पढ़ने के साथ साथ 1 लीटर घी देने का भी काम समाज सरकार। अगर समाजवादी लोग लैपटॉप मांग सकते हैं, अगर पढ़ने वाले बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं पढ़ाई में मदद के लिए उनको लैपटॉप दिया है तो इस बार सरकार से सीधा सीधा जुड़ जाएं, उसके लिए पहली बार स्मार्टफोन देने भी जा रहे हैं। बड़ी संख्या में स्मार्टफोन लेकर के कम से कम सरकार की योजनाओं की जानकारी का काम हो सके। रामपुर वाले तो हमेशा समाजवादी और आदरणीय आनंदराज साहब की मदद की है, लेकिन इस बार ऐसी मदद हो कि प्रदेश के लोग जान जाए कि हाँ रामपुर में सब सफाया हो गया, केवल साइकिल वाले को चाहिए। इन्हें सब की कृपाइए। और इस बार तो मरवान साजी अब्दुल्ला भी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर भी हमारे साथ होंगे तो बताओ हमारी पार्टी की मदद कितनी ज्यादा होगी। इसलिए जहां मुझे नेताजी और आदरणीय आनंदराज साहब दोनों मिलकर काम किए हैं और भाई हम और अब्दुल्ला मिलकर के काम करेंगे तो बताओ आपकी कितनी मदद होगी। ये रिश्ता और मजबूत हो रहा है। मैं शायद और इस बार तो ऐतिहासिक सीटें जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जो हवा और जो माहौल है वो आपके पक्ष में है, आप
खुद जान रहे होंगे कि यहां सरकार किसकी बनने वाली है। कोई मुकाबले में नहीं है। इसलिए मैं रामपुर के तमाम अपने समाजवादी साथियों से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से और नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि हमारी मदद करना, सहयोग करना। चुनाव तो आपका है लेकिन चुनाव हमारा भी है, इसलिए हमारा भी ख्याल रखना, सब सीटें जिता देना, एक साथ जोड़ देकर के सरकार बना देना। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको और जिले को किया आदर्श जिला और तमाम विकास योजनाओं को जोड़ने का काम करेंगे। साथ ही साथ अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार कैसे दे सके उस दिशा में भी सरकार काम करेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा नौकरी और रोजगार हमारे नौजवानों को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नसीर खान साहब, इनकी सफेद बालों का बचाना ये बहुत बहुत ऊंची चीज है। हाँ, मैं अब्दुल्ला आदिम और संजय कपूर, विजय सिंह आनंद, विजय सिंह आनंद सचिव, मैं एक बात नौजवानों बहनों और भाइयों आपसे यह कर दूं कि आज ये बड़ी शरारत हुई है। कपूर साहब, आज ये बड़ी शरारत हुई है सीएम साहब के तशरीफ लाने से चंद मिनट पहले, और ये नजर पुलिस को रखना चाहिए थी। हमें इस बार ये देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को, कैंडिडेट्स को और हमारे वर्कर्स को इलेक्शन कमीशन की बेजा पाबंदियों का शिकार होना पड़ रहा है। आपके तशरीफ लाने से पहले दो शहर के छतों में गुलेल से निशाना लिया गया और ये मैदान आपसे खाली हो गया था। आप उसके बाद वापस आए हैं और यहां यह अफवाह फैला दी गई कि यहां बम भी फटने वाला है। मैं यहां के जिला इंतजामिया को मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में यह कहना चाहता हूं कि यह मालूम होना चाहिए यह निशाना किसने लिया था। अगर ये मालूम नहीं हुआ यह निशाना किसने लिया था तो फिर निशाना किसी पर भी हो सकता है। आप एक बार मेरी आवाज पर ऐसा नारा लगाओ कि हिल जाएंगे दरों दीवार, बस ये इमारतें खड़ी रहे और इनका हौसला धराशायी हो जाए। इंकलाब, इंकलाब, नेशादो, नेताजी, नेताजी, इंकलाब। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक हफ्ते का वक्त है, 15 फरवरी को एक शानदार रिजल्ट देना है आपको। इससे पहले इनका सबूत देंगे, गाड़ी को आराम से निकलने देंगे। अच्छा भाई, एक बात बताओ, हमें तो तुम उतरने भी नहीं देते हो और घर की मुर्गी दाल बराबर। बहुत अच्छा लगा, पूरे हिंदुस्तान में जहां जाते हैं नेताजी रामपुर के डिसिप्लिन की तारीफ करते हैं और अब उनकी सियासत के बारिश को यही कहना चाहिए कि मेरे वालिद ने जो कहा था मैंने वैसा ही पाया। बहुत शुक्रिया।